आपका वेदिका किचन किंग में स्वागत है। आज हम आपको कश्मीरी पालक के पकोड़े बनाकर दिखाएंगे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, हम कश्मीरी पालक के पत्ते लेने खेत में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है। अब हम कश्मीरी पालक के पत्ते तोड़ लेते हैं। यह आम पालक से बिल्कुल अलग होता है। देखिए, हम पत्ते तोड़ लेते हैं। पत्ते हमने तोड़ लिए, अब हम घर की ओर चलते हैं। अब हम घर पर आ चुके हैं। पत्तों को हमने धो के रख लिया। पकोड़े बनाने के लिए हम ले लेते हैं प्याज, गोभी, पालक के पत्ते और रूटीन मसाला। चना ले लेते हैं, धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, मिक्स मसाला ले लेते हैं, अजवाइन और आमचूर पाउडर। और हमने एक कटोरी बेसन भी ले लिया। अब हम पत्तों को बराबर करके काट लेंगे। बारीक बारीक काट लेते हैं। इसके पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। पत्ते हमारे कट चुके हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं गोभी, बेसन भी डाल लेते हैं। चना भी डाल लेते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। अजवाइन को क्रश करके डाल लेते हैं। आमचूर पाउडर डाल लेते हैं आधा चम्मच। मिक्स वेज मसाला डाल लेते हैं एक चम्मच। हरी मिर्च डाल लेते हैं। लहसुन भी डाल लेते हैं। अब हम डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक डाल लेते हैं अपने स्वाद के अनुसार। धनिया पत्ती डाल लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से प्याज और पत्ता जो है पानी छोड़ देगा, तो इसमें पानी की मात्रा नहीं डालेंगे हम। देखिए, मिलाते मिलाते ये अच्छे से अपने आप गीला भी हो जाएगा। अब हम चूल्हे में ईंधन को जला लेते हैं। कढ़ाई को रख लेते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल डाल लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिल गया है क्योंकि पत्ते हमारे बिल्कुल ताजे थे।
तेल हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें छोटे छोटे साइज के पकौड़े डाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे पलट लेते हैं। पकौड़े को हम एक एक करके पलटेंगे आराम से। पकौड़े हमारे बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी पकौड़े तैयार होंगे। देखिए, पकौड़े हमारे बन के तैयार हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम और भी पकौड़े तैयार कर लेते हैं। देखिए, हम प्लेट में फिर से पकौड़े निकाल लेंगे। अब हमारे पकौड़े बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।